हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है न्यू ईयर 2022 की फर्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि ये न्यू ईयर आपकी लाइफ में बहुत सी खुशियां लेकर आए। जो टारगेट, जो गोल 2021 में अधूरे रह गए थे, वो इस नए साल में अचीव हो जाए। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोलैंड बिजनेस वीजा के बारे में। अगर कोई एप्लीकेंट बिजनेस कर रहा है और अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है, देखना चाहता है कि रेलेवेंट फील्ड में बाकी कंट्रीज में कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो वो एप्लीकेंट बिजनेस वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है। सो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पोलैंड वीजा, बिजनेस वीजा की रिक्वायरमेंट्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि पोलैंड बिजनेस वीजा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो है ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी ट्रेवलिंग डेट से कम 6 मंथ्स की बाकी होनी चाहिए और पासपोर्ट पर कम से कम 2 खाली पेज भी होने चाहिए। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होता है वो है वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड, एप्लीकेंट को 2 फोटोग्राफ्स जिनका साइज, जिनका डायमेंशन 35x45 होना चाहिए। बैकग्राउंड जो है उसकी व्हाइट होनी चाहिए, फेस की विजिबिलिटी 80% होनी चाहिए और मैट फिनिश में ये फोटोग्राफ होनी चाहिए। फोर्थ डॉक्यूमेंट, एक लेटर रिक्वायर्ड होता है जिसमें वीजा एप्लीकेंट की आइडेंटिटी, पर्पज ऑफ विजिट और उसकी स्टे की डिटेल्स जो है वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। इसमें जो फिफ्थ डॉक्यूमेंट, एप्लीकेंट का ओवरसीज इंश्योरेंस भी फाइल के साथ अटैच होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एप्लीकेंट की रिटर्न एयर टिकट, हालांकि ये वीजा स्टैंपिंग के बाद भी हो सकती है, बट अगर आपकी एयर टिकट पहले से बुक है तो ये भी आपकी वीजा स्टैंपिंग में काफी बड़ा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में एप्लीकेंट की लास्ट 3 इयर्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स और फॉर्म 16 भी जो है वो सबमिट कराने होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, एप्लीकेंट की लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट भी आपकी फाइल के साथ सबमिट होती है, जिसमें कि आपके बैंक ब्रांच की स्टैम्प और ब्रांच मैनेजर के सिग्नेचर भी होने चाहिए। इसके बाद 9th डॉक्यूमेंट जो है वो एप्लीकेंट की लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स भी फाइल के साथ सबमिट होती है। 10th डॉक्यूमेंट, एप्लीकेंट की कंपनी या बिजनेस के रजिस्ट्रेशन प्रूफ्स भी जो है वो साथ में सबमिट होते हैं। अगर एप्लीकेंट माइनर है और एक पेरेंट के साथ ट्रैवल कर रहा है तो एक पेरेंट की तरफ से एक रिटर्न कंसेंट भी फाइल में सबमिट करना होता है, और यदि माइनर अकेले ट्रैवल कर रहा है तो दोनों पेरेंट्स की तरफ से रिटर्न कंसेंट जो है वो फाइल में सबमिट कराना होता है। सो ये डॉक्यूमेंट्स थे जो कि पोलैंड बिजनेस वीजा के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। पोलैंड बिजनेस वीजा प्रोसेसिंग में जो है अप्रोक्सीमेटली 10-15 वर्किंग डेज का टाइम लगता है, बाकी आपकी ट्रैवलिंग डेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं तो आप बिना किसी एजेंट की हेल्प के खुद अपना केस अप्लाई कर सकते हैं। होपफुली आपको पोलैंड बिजनेस वीजा की कंप्लीट डिटेल समझ में आ गई होंगी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अवेयर रहिए, फर्जी एजेंट से बच के रहिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।